अपने पति को सेटिस्फाई कैसे करें, इसके बारे में मैं अभी बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, काफ़ी सारी लेडीज मेरे पास में अपने हस्बैंड को लेकर आती है और वो बोलते हैं कि इनको सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। हार्डली महीने में एक आध बार, दो बार सेक्स करते हैं, वो भी उनको बहुत पीछे लगना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कठोरता, टाइटनेस नहीं आती है, इरेक्शन नहीं होता है ज़्यादा, और मैं असमाधानी रहती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है। बाकी दिन कुछ बोला तो बहाने बनाएंगे, कारण देंगे कुछ ना कुछ, और सेक्स नहीं करेंगे। तभी इसके लिए करना क्या है, ऐसे सवाल लेके मेरे पास में आते हैं। देखिए, क्या है कि यदि वो एक दो बार सेक्स कर रहा है महीने में, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम उसको ऑर्गेनिक नहीं है, या बॉडीली कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, और प्रॉब्लम यहाँ क्या हो सकता है, एक तो उसको सेक्स के बारे में बहुत घिन बैठी हुई है, सेक्स के बारे में गलत विचार बैठे हुए हैं, बचपन में ही सेक्स के बारे में कुछ तो भी ऐसी कठोर कोई ऐसे इमोशंस हुए होंगे कि जिसमें उसको डर बैठ गया है, या सेक्स बुरा है, सेक्स गंदा है, सेक्स गलत है, ऐसी विचारधारा बैठी हुई है, ऐसा कुछ तो भी बचपन में हुआ है कि जिसके वजह से वो सेक्स में इंटरेस्ट लेता नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि अभी उसको इंटरेस्ट पैदा करना अभी उस स्त्री को करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, एक तो क्या है कि उसके बचपन के बारे में बातें करो, बचपन में क्या हुआ, किसने लैंगिक अत्याचार किया था, कोई होमोसेक्सुअलिटी की हिस्ट्री है, हुआ क्या, और वो पास्ट में हुआ है, अतीत में हुआ है, उसका आज कोई संबंध नहीं है, और ऐसी बातें यदि वो दिमाग में बार बार लाता है तो उसको हमारे हिप्नोटिज्म के कोर्स में लाइएगा। दूसरा ये है कि आपको फिर ये करना है कि भाई सेक्स में उसको इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है, सेटिस्फाई कैसे करना। सेक्स में तीन पार्ट होते हैं, तो फोर प्ले होता है, सेक्स होता है, और आफ्टर प्ले होता है। फोर प्ले में आप उसको एक्साइट कर सकती है, स्टिमुलेट कर सकती है, उसके अलग अलग अंग जो है उसको टच कर सकती है, हाथ घुमा सकती है, और उसको एक्साइटमेंट ला सकती है। स्पेशली जहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा है वहाँ किसिंग, गाल का किसिंग है, होठ का किसिंग है, फिर शोल्डर्स, बटक्स, निपल, पेट, ये सभी जगह आप किसिंग करके, हक करके, प्यार करके उसको एक्साइटमेंट ला सकते हैं, वो एक्साइट हो सकता है। जब भी वो एक्साइट होगा तो रिटर्न में वो भी आपको एक्साइट करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और कम्युनिकेट करना इसमें जरूरी है। आप उसको पूछो अपने हस्बैंड को कि आपको कहाँ मैंने हाथ लगाया तो अच्छा लगता है, क्या क्या किया मैंने तो आपको अच्छा लगता है, उसको पूछो, और वो जो बोलता है वैसा करो ताकि उसका इंटरेस्ट जग जाएगा। क्या होता है कि फीमेल को एक ही सेक्स में चार पांच ऑर्गेजम हो सकते हैं, चार पांच बार सेटिस्फाई हो सकते हैं। मेल का ऐसा नहीं है, मेल का एक ही बार होता है। तो फिर फीमेल का ऑर्गेजम होने के बाद में हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट कम है, उसने अपना इंटरेस्ट कायम रखना है और सेक्स कंटिन्यू रखना है जब तक उसका डिस्चार्ज होता नहीं तब तक। हो सकता है कभी कभी उसका डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, फीमेल सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उसके लिए फिर कीगल्स टेक्निक है, उसके लिए फिर मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक है, मेरे अलग वीडियोज है उसमें आपको जानकारी मिलेगी, ताकि उसका लेट गिरेगा। लेट गिरने के लिए दवाइयाँ भी, वो अभी आप दे सकते हैं, वो दवाइयाँ उसे भी लेट गिरेगा। तो उसको पूछो, हक करो, किस करो, सेक्स करो, और सेक्स होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद में भी आफ्टर प्ले करो। उसको बाद में भी हक करना, लव करना, प्यार करना, किस करना बाद में भी जरूरी है। होता क्या है कि यूजुअली डिस्चार्ज हो गया कि दोनों अपना अपना मुंह पलटा के सो जाते हैं, तो ऐसा न करते हुए 5-10 मिनट बाद में भी आफ्टर प्ले करना जरूरी है। जो लेडीज़ का हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है कि भाई महीने में एक बार दो बार करता है और बाकी दिन उसकी इच्छा ही होती नहीं है, देखता भी नहीं है, और लेडी है, शादीशुदा है, अभी एक साल ही हो गया शादी को, उसकी बहुत इच्छा होती है, फिर अपनी इच्छा उसको मारना पड़ता है, तो ऐसे इसमें क्या करें। एक तो क्या है कि हस्बैंड को आप बहुत पीछे लगते हैं, डिमांड करेंगे तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो कभी डिमांड मत करो, कभी प्रेशराइज मत करो, नहीं करना ही पड़ता है, ऐसा कैसा नहीं करते, मेरी तो कदर करो, मेरे लिए तो करो, मतलब ऐसा करके तो टेंशन आने वाला है नहीं, इरेक्शन होने वाला है नहीं। पीछे मत लगो, प्यार करो, खेलो, और जब आप खेलेंगे बेड में तो खेलते 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 धीरे 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 इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा। जितना आप फोर प्ले करेंगे उतना ज़्यादा इरेक्शन हो जाएगा। फोर प्ले में हो सकता है कि आप काफ़ी सारा पेनिस को मसाज कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं, जिससे वो इसको एक्साइटमेंट आएंगी, और जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। बॉटम लाइन क्या है,
बॉटम लाइन यही है कि बचपन में कुछ तो भी हुआ जिसके वजह से आपके हस्बैंड के दिमाग में घिन आ गई, नंबर एक। नंबर दो, उसको आप डिमांड और प्रेशराइज मत करो। नंबर तीन, फोर प्ले, सेक्स और आफ्टर प्ले करो। नंबर चार, उसको समझना चालू करो, क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, क्या कारण हुआ, क्या बचपन में ऐसा क्या गुजर गया कि जिसकी वजह से ऐसा इसको हो रहा है। ज़्यादातर हमें हिस्ट्री ऐसी मिलती है कि घर में ही किसी ना किसी व्यक्ति ने, अंकल होंगे या कोई मौसा चाचा जो भी कोई होंगे, उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादातियाँ की हुई रहती है और फिर वहाँ से उसको घिन बैठी है या उसको डर बैठा रहता है। तो वो डर निकालो, समझ लो और उसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ स्टिमुलेट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उसको एक्साइट करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेक्स सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी इच्छा बढ़ते जाएंगी, उसको मजा आते जाएगा, तो वो खुद ही तैयार हो जाएगा सेक्स करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सेक्स का मजा क्या होता है उसको चखाने का है, और जितने ज़्यादा बार आप चखाएंगे उतने ज़्यादा बार वो सेक्स करने के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।